आदत पड़ती है ना, वो राजनीति में अपना स्थान कभी मजबूत नहीं कर सकते। राजनीति में अन्याय काम कर लीजिएगा, मगर धोखा सहन करने वालों को कभी राजनीति मजबूत नहीं करती। जो धोखा देते हैं उनको बिल्कुल बदाल उत्पाद दिखाकर सजा देने का काम राजनीति का होता है। और मेरे भी के साथ एक जरूर के साथ कई रहने भी क्या क्यों कैप करेंगे, एक बार सुनता दीजिए वो कैप नहीं करेगा। ये मेरे भी के साथ एक जरूर के साथ बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरे, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए चुनाव लेना। मैं 2014 से बताना चाहता हूँ, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और किसी एक नेता को 30 साल के बाद देश की जनता ने 2/3 बहुमत के साथ इस महान देश पर शासन करने का अधिकार दिया। और उस वक्त मुझे भी तो अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ पार्टी के अध्यक्ष बनने का, मैं जानता हूं उस वक्त मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता, जिस जगह पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उपाध्याय अटल जी अडवाणी जी ज्योति जी बैठे हो, वो जगह पे बैठने के लिए ना मेरा आयु था ना मेरा संदूर पास, मगर सारे का सारा वरिष्ठ नेतृत्व सरकार में चला गया था और संगठन का काम करने के शौक वाले कार्यकर्ता भी कम थे, उसमें मेरा नंबर लग गया। उस वक्त पार्टी ने तय किया कि पार्टी का एक्सपांशन होना चाहिए, सरकारें हमारी कई बार बनी, महाराष्ट्र में भी बनी, देश में भी बनी, मगर पार्टी वहीं की वहीं रहे। अगर सरकार बनने के बाद पार्टी वहीं की वहीं रह जाती है तो इस पार्टी को इसका फायदा क्या? विचारधारा को जिनको धोखा सहन करने की आदत पड़ती है ना, वो राजनीति में अपना स्थान कभी मजबूत नहीं कर सकते। राजनीति में अन्याय काम कर लीजिएगा, मगर धोखा सहन करने वालों को कभी राजनीति मजबूत नहीं करती। जो धोखा देते हैं उनको बिल्कुल बदाल उत्पाद दिखाकर सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है। और मेरे के साथ एक जरूर के साथ कई रहने भी क्या क्यों कैप करेंगे, एक बार सुनता दीजिए वो कैप नहीं करेगा। ये मेरे दिन के साथ एक जरूर के साथ बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरे, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए चुनाव लेना। मैं 2014 से बताना चाहता हूँ, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और किसी एक नेता को 30 साल के बाद देश की जनता ने 2/3 बहुमत के साथ इस महान देश पर शासन करने का अधिकार दिया। और उस वक्त मुझे भी तो अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ पार्टी के अध्यक्ष बनने का, मैं जानता हूं उस वक्त मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता, जिस जगह पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उपाध्याय अटल जी अडवाणी जी ज्योति जी बैठे हो, वो जगह पे बैठने के लिए ना मेरा आयु था ना मेरा संदूर पास, मगर सारे का सारा वरिष्ठ नेतृत्व सरकार में चला गया था और संगठन का काम करने के शौक वाले कार्यकर्ता भी कम थे, उसमें मेरा नंबर लग गया। उस वक्त पार्टी ने तय किया कि पार्टी का एक्सपांशन होना चाहिए, सरकारें हमारी कई बार बनी, महाराष्ट्र में भी बनी, देश में भी बनी, मगर पार्टी वहीं की वहीं रहे। अगर सरकार बनने के बाद पार्टी वहीं की वहीं रह जाती है तो इस पार्टी को इसका फायदा क्या? विचारधारा को